नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल होवल ऑटो फेयर मीटर में। आज हम बताएंगे दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा के अंदर होवल का ऑटो फेयर मीटर कैसे फिट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लेते हैं कैसे इसमें फिट किया जाता है। तो ये देखो, ये ऑटो है आपके सामने और ये यहाँ पे जो है दो पाइप दिए जाते हैं जिसके अंदर आसानी से ऑटो फिट मीटर फिट किया जा सके। और ये जो एसेसरीज है इसका नाम है मीटर स्टैंड। तो इस स्टैंड को यहाँ पे हम लोग नट बोल्ट की सहायता से फिक्स करेंगे, उसके बाद में आसानी से यहाँ पे मीटर फिट करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे इसको फिक्स कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा मीटर है जिसको हम इस स्टैंड के ऊपर फिक्स करेंगे। ये यहाँ से हम लोग इसको फिक्स कर रहे हैं और जिससे कि पीछे बैठी हुई को या सवारी को ये आसानी से दिख सके। तो ये मीटर देखो, हमने मीटर स्टैंड के ऊपर आसानी से फिट किया, इसको नट बोल्ट की सहायता से टाइट किया। तो ये आसानी से आपके ऑटो रिक्शा के अंदर मीटर फिट हो गया। और अभी आपको हम कनेक्शन भी बताएंगे ताकि आपको आसानी रहे आगे से ऑटो फेयर मीटर फिट करने में। होवल कंपनी का ये मीटर काफ़ी अच्छा मीटर है जिसकी फिटिंग का हम बताते हैं। ये देखो, ये वायर एक्सटेंशन पोर्ट यहाँ पे है जिसको हमने बैटरी वायर के साथ में जोड़ दिया और इसको बैटरी वायर के जोड़ दिया। और एक दूसरा जो 3-पिन वायर है उसको सेंसर के साथ में हम लोगों ने जोड़ा है। जैसे ही इनको जोड़ा तो हम देखेंगे, मीटर को ऑन करेंगे तो मीटर के अंदर पावर आ जाएगी। तो जैसे ही हमने ऑन किया तो ये देखो, मीटर के अंदर पावर आ गई। अब ये पावर आने के बाद में आसानी से जो ड्राइवर होते हैं वो मीटर को ऑन कर सकते हैं। पैसेंजर के लिए एक सुविधा होती है, किराया ऑटोमेटिक इसमें जनरेट होता है, कितने किलोमीटर चलेगा तो उसका किराया इसमें अपने आप दिख जाएगा। और इसको यहाँ से स्टार्ट बटन से स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रिप स्टार्ट होते ही ये मीटर जो है परफेक्टली रन करता है। उसके बाद ट्रिप को एंड किया जाता है, फिर उसके बाद वैकेंट किया जाता है और उसके बाद में फिर आप यहाँ की प्रिंट स्लिप जो है वो भी आप यहाँ से अपने निकाल सकते हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना ड्राइवर को रहेगी ना पैसेंजर को रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको होवल के फेयर मीटर में बड़ी आसानी से मिल सकती है। थैंक यू।